आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जब हम कभी घूमने जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो पैकिंग के लिए कौन से बहुत ही स्मार्ट हैक्स हैं, देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं इतने प्यार से, शौक से, और उन पर कमेंट्स करते हैं, शेयर कर रहे हैं मेरी वीडियोज़ को, लाइक करते हैं, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। लेकिन अगर अब तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जब भी आप सब्सक्राइब करें तो नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो सबसे पहले मेरे सब्सक्राइबर्स देखें। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पैकिंग के कुछ बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही स्मार्ट हैक्स, क्योंकि ट्रैवलिंग का सीज़न शुरू हो गया है। जैसे ही बच्चों की छुट्टियां स्कूल की शुरू होती हैं, तो हॉलीडे सीज़न जब शुरू होता है, बहुत सारी कंट्रीज़ में क्रिसमस की छुट्टियां मिलती हैं, तो लोग ट्रैवल बहुत करते हैं। कुछ अपने मुल्क में जाते हैं घूमने के लिए, कुछ आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, कुछ अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं। तो चाहे हम एक दिन के लिए जाएँ या हम एक महीने के लिए जाएँ, हमें अपना सामान ज़रूर पैक करना पड़ता है। और जब सामान पैक करने की बात आती है, आप यकीन करें, इतना प्रॉब्लम होता था मुझे भी, क्योंकि इतना सारा सामान होता था और बैग इतना छोटा होता था, तो वो सारा सामान फिट नहीं आता था उस बैग में, और बहुत सारी चीज़ें मुझे छोड़कर जानी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर आप स्मार्ट तरीके से पैकिंग करें तो आप यकीन करें, बहुत सारी चीज़ें, आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें आपके एक छोटे से बैग में फिट आ सकती हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे पैकिंग के हैक्स शेयर करूँगी जिससे आपकी पैकिंग बहुत आसान हो जाएगी। तो देखिए वो कौन से हैक्स हैं। लेस इज़ मोर, यानी कि कम सामान ले जाएं और ऐसी चीज़ें ले जाएं जो आपको बहुत काम आए। मसलन कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो न्यूट्रल कलर्स होते हैं, जिनको हम मिक्स एंड मैच के साथ कभी स्कार्फ्स के साथ पहना जा सके, किसी दुपट्टे के साथ पहना जा सके, किसी ज्वेलरी के साथ आप उसको नया लुक दे सकें, या वेस्टर्न कपड़े होते हैं तो एक ही पेयर ऑफ जीन जो होती है उसके साथ बहुत सारे टॉप्स पहने जा सकते हैं, या ऐसा कलर ले जाना चाहिए पैंट्स वगैरह का जो बहुत सारे टॉप्स के साथ चल जाए। तो इस तरह से ये होगा कि कम कपड़ों में हम बहुत सारे डिफरेंट लुक्स के साथ उन कपड़ों को पहन सकते हैं। तो कोशिश करें कि जूते भी आप ऐसे ले जाएं जो सारे कपड़ों के साथ आप पहन सकें। इसी तरह से ज्वेलरी अक्सर हम ले जाते हैं, ईयरिंग्स होते हैं हमारे, रिंग्स होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मिक्स हो जाती हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमें कौन सी चीज़ कब पहननी है, क्या करना है। तो उसके लिए इस तरह से मेडिसिंस के जो बॉक्सेस आते हैं वो बहुत काम के होते हैं। अगर आपके पास ये ना हो, आप प्लास्टिक की छोटी बैग्स में ले जाएँ, जिप लॉक्स में ले जाएँ, आप किसी भी जो छोटी छोटी डब्बियाँ खाली होती हैं उसको रख लिया करें, ऐसे मौक़ों पर भी ये सारी चीज़ें बहुत काम आती हैं। और कुछ नहीं तो मैच बॉक्सेस जो होते हैं उसमें आप डाल कर ले जा सकते हैं अपनी ये चीज़ें। और इसी तरह से जो नेकलेसेस की जो चेन्स होती हैं उनको भी आप इस तरह से किसी भी नैपकिन में आप रखें और इस तरह से फोल्ड करें और फिर आप रखें, तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आपको बहुत आसानी होगी, आपको ढूंढनी नहीं पड़ेंगी सारी चीज़ें। मैं जब कभी घूमने जाती हूँ कहीं भी, तो अक्सर मेरे साथ मेरी चूड़ियाँ भी जाती हैं, और चूड़ियाँ इतनी नाजुक होती हैं कि फ़ौरन टूट जाती हैं। तो चूड़ियों को किस तरह से लेकर जाया जाए कि वो टूटे नहीं। तो ये मेरे पास एक छोटा सा कंटेनर था जिसमें मैंने अपनी चूड़ियाँ डाली हैं, और इस तरह के बहुत सारे घर में कंटेनर डब्बे खाली होते हैं जिसमें आप अपनी चूड़ियाँ डालकर हिफाजत से ले जा सकते हैं। तो इस तरह से आपकी चूड़ियाँ टूटेंगी नहीं और बिल्कुल ठीक ठाक मिलेंगी आपको। इसी तरह से शैम्पू कंडीशनर जो भी हम ले जाते हैं, अपनी क्रीम्स वगैरह, उसको छोटे से कंटेनर में ले जाना ज़्यादा बेहतर है कि आप जितने टाइम के लिए जा रहे हैं उतना ही ले जाएं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम उसे किसी कंटेनर में डालते हैं तो उसके लीक होने का ख़तरा होता है। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि इसके ऊपर आप एक छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा रख लीजिए, प्लास्टिक की शीट का, उसके बाद फिर आप इसकी लिड बंद कीजिए, उसका कैप बंद कीजिए। तो इस तरह से आपकी शैम्पू कंडीशनर कोई भी ऐसी चीज़ बैग में लीक नहीं होगी और आपकी कोई भी चीज़ या कोई कपड़ा ख़राब नहीं होंगे। जब भी अपना सामान पैक करें तो कोशिश करें कि सारा सामान एक साथ बैग में डालने की बजाय छोटे छोटे से पाउचेस बनाकर रखें, डिफरेंट बैग्स बनाकर रखें, और कुछ नहीं तो प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं उन्हीं में सामान लेकिन अलग अलग करके रखें। इस तरह से जब आपको ज़रूरत होगी बहुत आराम से आपको सामान मिल जाएगा और आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स भी नहीं होगा। जब कभी हम अपने कपड़े पैक करते हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि कपड़ों को रोल करें बजाय फोल्ड करने के। रोल करने से हमारे बैग में बहुत सारी स्पेस बच जाती है। बैग्स जब हमारे एरोप्लेन में लोड किए जा रहे होते हैं या
बसेस में जाते हैं, बहुत सारे लोग ट्रेन्स में जाते हैं, तो कुछ मिसहैंडलिंग होती है बैग्स की और फेंके जाते हैं बैग्स वहाँ पर, तो उसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें टूट जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बैग में जो चीज़ें हैं वो डैमेज ना हो, तो बैग पर हमेशा फ्रेजाइल का स्टिकर ज़रूर लगा लें। अगर आपके पास स्टिकर नहीं है तो मास्किंग टेप के ज़रिए फ्रेजाइल लिख लीजिए, परमानेंट मार्कर के ज़रिए, ताकि आपकी चीज़ें बच जाएँ और जो भी आपका सामान लोड कर रहा हो वो भी ज़रा एहतियात से करें। सनस्क्रीन इज मस्ट। बड़े सनस्क्रीन को ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको छोटे से कंटेनर में भर के ले जा सकते हैं। ट्रेबल साइज़ के छोटे छोटे साशेज मिलते हैं सैंपल के तौर पे, तो ये भी बहुत काम आते हैं। अगर आपको इस तरह से कभी आपके पास हो तो आप ये ले जा सकते हैं। लोशंस हो गए, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो छोटे ट्रेबल पैक में ले जाएँ। ट्रेवल पैक्स अगर ना हो, छोटे से कंटेनर्स हों आपके पास, उसमें ले जा सकते हैं आप। और कुछ नहीं तो आई कॉन्टेक्ट लेंसेस के जो केसेस होते हैं वो बहुत काम आते हैं इसमें। इसके अलावा कोशिश करें कि बड़ी बड़ी चीज़ों की बजाय आप ट्रेवल साइज़ की छोटी छोटी चीज़ें ले जाएं। बालों के लिए बड़े साइज़ के स्ट्रेटनर की बजाय छोटा ट्रेवल साइज़ का स्ट्रेटनर ले जाएं। जैसे बड़े टूथपेस्ट की बजाय आप छोटे साइज़ की टूथपेस्ट ले जाएं, या छोटे साइज़ का हैंड लोशन ले गए, और बड़े बड़े परफ्यूम्स की बजाय छोटी साइज़ के ट्रेवल साइज़ के परफ्यूम्स ले जाएं। कोशिश करें इसी तरह से अगर जो स्पंजेस होते हैं हमारे, ब्रशेस होते हैं, वो भी छोटी साइज़ के हों, डिस्पोजेबल हों, तो इससे आपकी जगह भी कम खर्च होगी और जब आप वापस आएंगे तो आपके बैग में कुछ जगह बच भी गई होगी शॉपिंग के लिए। एक दफ़ा मैंने आपको एक तरीका बताया था स्ट्रॉज के अंदर छोटी छोटी चीज़ें भर के ले जाना, वो भी आप ले जा सकते हैं उसमें। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहें तो उस वक्त आपको नज़र आ रही है, उसमें भी मैंने बहुत सारे हैक्स शेयर किए थे, वो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी, ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह से आपके बैग में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी और आपको बहुत ज़्यादा वज़न भी नहीं ले जाना पड़ेगा। और इस तरह के छोटे छोटे जो बैग्स होते हैं जिनमें ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, जिनमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, इस तरह की चीज़ें ज़रूर अपने साथ रखा करें ट्रैवल पर। मैं इस तरह जब भी कभी जाती हूँ तो मेरे ये बैग्स मेरे साथ ज़रूर होते हैं जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं। इसमें एक फ़ायदा ये है कि इसमें हुक्स भी लगे हुए होते हैं और आप कहीं भी जाकर हैंग कर सकते हैं इसको, अपने होटल के वॉशरूम में, कहीं भी जहाँ भी आप रहने के लिए जा रहे हैं वहाँ। तो एक आपको बार बार हर चीज़ नहीं निकालनी पड़ेगी, तो इस तरह के जो ट्रेवल साइज़ के ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, बैग्स होते हैं, वो बहुत आपको हेल्प करते हैं। अपने जो भी हमारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो थोड़ी सी नाजुक होती हैं, टूटने का ख़तरा होता है, जैसे परफ्यूम की बॉटल्स हो गई, हमारे सनग्लासेस हो गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम चाहें कि हिफाजत के साथ जाएं, तो उसको आप अपने शूज़ के अंदर डालकर ले जाएं। इससे आपकी चीज़ें कभी भी टूटेंगी नहीं और बिल्कुल सही हालत में आपको मिलेंगी। अगर कोई ऐसा जैकेट है हैवी, या कोई ऐसी ज्वेलरी है, या जैसे जॉगर्स वगैरह हैं जो बहुत ज़्यादा जगह लें या बहुत ज़्यादा वेट हो उनका, तो कोशिश करें कि वो आप पहन कर जाएं कहीं ट्रैवल पर जा रहे हैं। इससे ये होगा कि आपको ज़्यादा वेट नहीं उठाना पड़ेगा अपने बैग में। और चार्ज करते वक्त हमारे पास बहुत सारे गैजेट्स होते हैं, टैबलेट होती है, बच्चों के कुछ गैजेट्स होते हैं, हमारे सेलफोन्स होते हैं, लैपटॉप होता है, अलग अलग सबके चार्जर्स ले जाने के बजाय, तो हर गैजेट के लिए अलग वायर की बजाय अगर आप इस तरह का यूनिवर्सल केबल ले लें तो उसके ज़रिए आप अपने सारे गैजेट्स चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी स्पेस भी कम खर्च होगी बैग में और आपको बहुत आसानी हो जाएगी, एक ही वायर में आपको बहुत सारे चीज़ें चार्ज करने के लिए मिल जाएंगी। जब कभी हम ट्रैवल करते हैं तो ऐसा भी मुमकिन है कि हमारा जो बैगेज होता है, हमारे जो सूटकेसेस होते हैं, वो गुम भी हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर जब कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं तो एक प्लेन से दूसरे प्लेन में जब सामान शिफ्ट किया जा रहा होता है तो उसमें कभी कभी सामान मिसप्लेस भी हो जाता है और वो फिर बहुत देर से मिलता है। तो ऐसे में अपने साथ जो हैंड कैरी होता है उसमें ज़रूर अपनी ज़रूरत की चीज़ें रखा करें, अपनी दवाएँ हो गई, या एक आपका सूट हो गया, कपड़े हो गए, कुछ जो आप, अगर आपका लगेज मिसप्लेस भी हो जाए तो एटलीस्ट आप एक आध दिन आराम से गुजार लें। और जब हम एरोप्लेन से उतरते हैं, अपना सामान कलेक्ट करते हैं कन्वेयर बेल्ट के पास, सारी बैग्स एक ही तरह की लगती हैं, तो अगर आप अपनी बैग्स पर किसी एक ख़ास किस्म की रिबन बांध दें किसी कलर की, तो फिर आपके लिए अपना सामान को पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। स्ट्रेटनर जो बालों को स्ट्रेट करते हैं, जिससे हम अक्सर लास्ट मोमेंट पर बाल भी बन रहे होते हैं और उसी वक्त उसको पैक करना होता है बैग में, तो ऐसे बिल्कुल गर्म हम रख नहीं सकते, तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि या तो आप ओवन का जो मिटन होता है उसके अंदर डालकर ले जाएं, या किसी भी टॉवल में छोटे से उसको लपेट कर आप ले जाएं, वो टॉवल भी आपको काम आएगा और वो स्ट्रेटनर गर्म होकर आपके बैग में जो दूसरी चीज़ें हैं उनको भी डैमेज नहीं करेगा।
अक्सर हमारे ईयरफोन्स होते हैं, मोबाइल के या सेलफोन के, या चार्जर होते हैं, या कुछ ऐसी वायर्स होती हैं जो आपस में उलझ जाती हैं, तो उनके लिए कोशिश करें कि छोटे से पाउच में, छोटे से कंटेनर में या प्लास्टिक के बैग में उसे ले जाएं। इस तरह से बिल्कुल ओपन तरीके से जो है सारी वायर्स को मिक्स नहीं करना चाहिए, उससे हमारी वायर्स भी टूट जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं और हमें बहुत तकलीफ़ होती है उनको अलग अलग करने में। अक्सर जब हम जूते पैक कर रहे होते हैं तो जूतों के जो सोल होते हैं वो साफ़ सुथरे नहीं होते हैं, उसकी वजह से हमारे बैग के आसपास जो चीज़ें होती हैं वो भी ख़राब हो सकती हैं। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि किसी भी ट्रांसपेरेंट बैग के अंदर या शावर कैप के अंदर अगर अपने जूतों को रख कर आप ले जाएँ तो आपके जो बाकी कपड़े और चीज़ें हैं वो कभी ख़राब नहीं होंगी। हमेशा सफ़र पर जब जाएँ तो एक्स्ट्रा अपने साथ कुछ प्लास्टिक की बैग्स या कोई ऐसा लाइट वेट बैग ज़रूर रख लें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बहुत सारे तरीक़ों से ये चीज़ें हमें काम आती हैं। एक तो जब हम कहीं घूमने जाते हैं कपड़े मैले होते हैं तो उनको अलग से हम उस बैग में रख सकते हैं, वो दूसरे सारे कपड़ों में मिक्स नहीं होते और उनकी जो एक खास स्मेल होती है मैले कपड़ों की वो पूरे बैग में नहीं होती, चली नहीं जाती कपड़ों में। और दूसरा उसका फ़ायदा ये होता है कि अक्सर लास्ट मोमेंट पर जब हम अपना बैग का वेट करवा रहे होते हैं एयरपोर्ट पर, तो वहाँ पर हमें सरप्राइज़ ये मिलता है कि हमारा वेट जो है वो ओवरवेट हो गई है हमारी बैग, तो उसमें से अब थोड़े से कुछ सामान निकालने पड़ेंगे, या तो हमें हैंड कैरी में डालना पड़ेगा या हाथ में उठाना पड़ेगा, और हैंड कैरी भी पूरा फुल होता है, तो ऐसे में आपको प्लास्टिक के बैग में वो चीज़ें डालना बहुत आसान हो जाता है, जिसको आप आराम से कैरी भी कर सकते हैं अपने साथ। तो अब मुझे जल्दी जल्दी से कमेंट्स के ज़रिए बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपके कमेंट्स का। और ख़ास तौर से अगर आपके पास इसके अलावा कोई और हैक है पैकिंग का तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे गज़ल सिद्दीक ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर फॉलो करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिसके लिए जो राउंड सर्कल में आपको मेरा फेस नज़र आ रहा है आप इसे भी क्लिक कर सकते हैं, और जो बॉक्स में वीडियो आपको नज़र आ रही है इसे भी ज़रूर देखिएगा, अगर आपने नहीं देखी आपको बहुत अच्छी लगेगी।